जेटिंग स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। अकाउंटिंग की इस क्लास में आज हम सीखने वाले हैं टैक्स इंक्लूसिव के बारे में, यानी टैक्स इंक्लूसिव होता क्या है। टैक्स इंक्लूसिव का मतलब ये होता है कि अगर कोई अमाउंट दिया जा रहा है तो उसमें टैक्स पहले से इंक्लूड होता है। टैक्स क्या होता है? पहले से इंक्लूड होता है, यानी एग्जैक्ट अमाउंट कोई बोल रहा है, जैसे बोल दिया कि 30,000 है, उसमें टैक्स भी 18% या 28% जो भी, तो मैटर ये करता है कि हम पता कैसे करेंगे, क्योंकि हमें अगर प्रिंसिपल अमाउंट पता होता है तो हम आराम से इसका 18% निकाल लेते हैं और आराम से बता देते हैं कि हाँ कितना अमाउंट आएगा टैक्स पर। लेकिन यहाँ टोटल अमाउंट बताया है, 30,000 टोटल अमाउंट है। तो मैंने एक इक्वेशन लिखवाया था, आपको याद आ रहा है, याद आ रहा होगा आपको, कि मान लीजिए कि प्रिंसिपल अमाउंट हमारा यक्स है और इसी यक्स का 18% क्या देना है, क्या देना है, टैक्स देना है। और टैक्स देने के बाद टोटल जो अमाउंट है वो 30,000 दिया है। ये इक्वेशन सॉल्व भी कराया था, याद आ रहा है, लाया नहीं। था कि नहीं कराया था? हाँ, तो वही क्वेश्चन अब यहाँ आया। लेकिन ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस फीचर निर्भर करेंगे तो वो अपने आप ले लेगा। कैसे? चलिए करते हैं। लाइन कुछ लिखी हुई है, पढ़ लीजिए एक बार। ये क्वेश्चन नहीं कराया ना अभी? ठीक है, कह रहा है कि जब हम गुड्स को सेल करने के लिए वाउचर एंट्री करते समय ऐसा रेट होना चाहें जिसमें पहले से ही टैक्स जुड़ा हो, ठीक है, खुद उसके लिए हमें सप्लाई इंक्लूसिव टैक्स जो है फीचर है इनेबल करना होता है। कॉन्फ़िगरेशन में जाके इनेबल होता है ये ऑप्शन। कैसे इनेबल होता है देख लीजिए एक बार। तो सबसे पहले हम कहाँ जाएं, वाउचर्स में जाएं और सेल्स लोकल में, वाउचर में गए या फिर दबाया बी टू बी में आ गए, लोकल में आ गए या फिर जो भी कहीं भी, यहाँ F12 दबाएंगे और यहाँ एक ऑप्शन आता है। सबसे पहले इस सबको यस कर लीजिए, सारा ऑप्शन लिखना चाहिए, ठीक है। और यहाँ देख सकते हैं, यहाँ एक ऑप्शन देख रहा होगा, प्रोवाइड रेट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स स्टॉक आइटम, इसी को यस करना होता है। यानी कि इंक्लूड, यानी कि जो आइटम का जो रेट होगा उसमें टैक्स इंक्लूड होगा, इसी को यस करना है। देख लीजिए ऑप्शन एक बार यहाँ से, प्रोवाइड रेट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स स्टॉक आइटम, इसको यस करना है। यस करने के बाद कंट्रोल इसे एक्सेप्ट करना है, फिर कुछ चीजें आएंगी, ठीक है। एक क्वेश्चन करके देखते हैं फिर ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। कह रहा है कि एक पीस बेचा गया है लेनोवो J56 डेस्कटॉप बेचा गया है, कंप्यूटर के सिस्टम को, इनवाइस नंबर है B2B 004, असो की पार्टी कहाँ की है, कंप्यूटर के लोकल है तो लोकल ले लेंगे, B2B 4 हो ही गया है, पार्टी का नाम क्या रहेगा, कंप्यूटर हियर, उत्तर प्रदेश की कंपनी है तो जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश की है, तो क्या होगा यहाँ पे लोकल होगा, लोकल पहले ही स्टार्टिंग में ही हो गया, बाप रे बर्थडे है क्या? मेरा बर्थडे नहीं है, यहाँ का एक इंसिडेंट का जोक लगा, वो लिख अच्छा रहा था। तो बाहर ही आता हूँ, लोलिंग अच्छा हाँ और सब मिठाई चलता है वो सूखा रसगुल्ला रहता है
हो गया बातें बातें धन्यवाद। साइन के लिए अच्छा है। जैसे अभी तुमने कहा बातें, एक इसी से सॉन्ग है जया किशोरी जी एक है, जया किशोरी जी जो यूट्यूब पे देखे होंगे जो। हाँ नहीं ये गाना वाला वो एक गाना गाती है बातें वाला, बहुत अच्छा है सुनिएगा आप लोग। टाइटल बता दे रहा हूँ, कस्मे वादे ऐसा करके है। हाँ पुराण वाला गाना है सुनिएगा, बहुत अच्छा गाना है कि कस्मे वादे। गाना भी पुराना है लेकिन वो भी गाई है, लेकिन वो अच्छा गाती है कस्मे वादे। और बातों का क्या, इसी पूरा लाइन है बहुत अच्छा। अच्छा अभी कल से पता नहीं क्यों मूड में बना है, तो ये गाना मैं लगातार सुन रहा हूँ। पता है कौन सा, नहीं सुनाऊंगा नहीं, वो गाना बता दे रहा हूँ। वो वाला गाना है, खुशी जब बिन तेरी मैं कम देखता हूँ तो फिर मैं कहाँ, ये वाला गाना है, अच्छा लगा है। मतलब सडनली स्टेटस पे देख गया मुझे तो कल से रिपीटिंग में ही चल रहा है, कपड़े धुला तभी, पढ़ा भी तभी, सब कुछ यही गाना। हाँ मेरा एक आदत बहुत गंदी है मेरी, कि मैं लूप पे सुनता हूँ। लूप पे, लूप का मतलब होता है रिपीटेड गाना, एक ही गाने के बाद। चलिए ठीक है, टॉपिक पे आइए, बात मत करिए। अब देखिए उसके बाद क्या है, कंप्यूटर की स्पेलिंग भी गलत है यार, कंट्रोल इंटर दबाइए। अच्छा ठीक है, आइटम का नाम क्या है, लेनोवो G56 डेस्कटॉप है क्या, गोडाउन डेस्कटॉप। गोडाउन भी दिया है, नाम दिया है, शॉप वेयर हाउस कुछ, शॉप ले लीजिए। क्वांटिटी कितनी है, 1 पीस। हाँ और देखिए रेट इंक्लूसिव, तो मैं बोलता था ना आप लोग से बार बार, यहाँ रेट इंक्लूसिव मांग रहा है, यहाँ पे रेट मांग रहा है, तो रेट इंक्लूसिव वाले में डालना है। क्यों, क्वेश्चन वैसा ही दिया हुआ है 30,000 रुपये का, चलो कोई बात नहीं, 30,000 रुपये यहाँ पे डालेंगे रेट में, तो अपने आप देखिए अमाउंट कुछ और आएगा। 30,000 लिखा, अमाउंट लिख रहे आ रहा है 25,000, क्योंकि 25,430 रुपये एक्चुअल अमाउंट है और बाकी सी जी सी एस सी 22,88, 22,88 सही आया गलत आया मिला लीजिए, सही आ गया नहीं आ गया, आसानी बहुत मजेदार चीज है। हाँ कैसे चेक करेंगे सही है गलत है, आपका तरीका बहुत सिंपल सा है, वही नियम नॉर्मल तरीका। एक्स अमाउंट को एक्स मान लेंगे और एक्स इंटू 18% लगाना है तो 18%, और परसेंट का मतलब क्या होता है बट्टे में, सो और इक्वल टू टोटल अमाउंट कितना दिया है 20,000। बस सॉल्व करेंगे तो लास्ट इक्वेशन क्या बनेगा, लास्ट इक्वेशन बनेगा 30,000 गुणे 100 और बटे में 118। अच्छा बस इसको सॉल्व करेंगे तो यही अमाउंट आएगा 25,423। देखिए फोन में करके 30,000 गुणे 100 बटा में 118 करें, देखिए यही अमाउंट आएगा 30,000 गुणे 100 भागा 118। देखिए 25,423 वही अमाउंट आया। 73 73 73 आपको जानते ही होंगे कि डेसिमल प्लेसेस अगर पढ़े होंगे, अगर सही से आपने पढ़ा होगा, जैसे मान लो जो भी दिया हुआ है लास्ट में 3.7
2888 दिया है, अगर इस तरह दिया है 3.7288 अमाउंट दिया हुआ है अगर मान लीजिए, और कह रहा है कि दो प्लेस पे आंसर लिखिए, कितने प्लेस पे, दो प्लेस पे, यानी बाकी दो हटाना पड़ेगा। तो इन लोगों का कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर ये पांच या पांच से बड़े हैं तो बगले वाले को एक दान देके, गिफ्ट देके जाते हैं। तो आठ है, आठ इसको गिफ्ट देगा, एक हो जाएगा, नौ हो गया, अभी भी पांच से ज्यादा ही है, और ये भी जाएगा तो इसको गिफ्ट देगा, यानी 3.73 होगा आंसर आपका, वही आंसर यहाँ पे आया हुआ है, 2523 रुपया 73 पैसे। ठीक है, तो ऐसे इंक्लूसिव वाला काम करेंगे, यहाँ निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, यहाँ तो डालेंगे बस हो जाएगा, बस याद रखेंगे कॉन्फ़िगरेशन को इनेबल करना पड़ेगा बस, और कुछ नहीं करना है। हो गया, अमाउंट आ गया, बस अब क्या कर देंगे इसको। प्रिंट तो करना नहीं है, प्रिंट करना नहीं नहीं है, हो गया सेव हो गया। नेक्स्ट बताइए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगले क्वेश्चन पे क्या दिया हुआ सुनिए, यहाँ से आप लोग मत देखिए, यहाँ सामने देख लीजिए, सेल्स ऑफ एसेट्स नॉन ट्रेडर्स। प्रायः जब एसेट्स को सेल करने के लिए जनरल वाउचर का यूज किया जाता है, जब भी हम संपत्ति को बेचते हैं, अगर उधार संपत्ति या बेचते हैं तो ऐसी ट्रांजेक्शन की एंट्री हमें करनी होती है सेल्स सॉरी जनरल वाउचर में। एक वाउचर और भी होता है ना, जनरल वाउचर तो हाँ, तो लेकिन इसमें लेकिन हम उसको सेल्स वाउचर में भी कर सकते हैं, लेकिन कैसे करेंगे सुनिए ग्राहक, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, समझाया समझिएगा ध्यान से। करें लेकिन इस मोड का प्रयोग करके हम सेल्स वाउचर में एसेट्स को सेल कर सकते हैं। किसी भी एसेट्स को सेल करने के लिए सबसे पहले डिप्रिसिएशन चार्ज करना होता है, क्या चार्ज करना होता है, डिप्रिसिएशन। स्पेलिंग थोड़ी गलत है, आप तो करेक्ट जानते ही हैं, डिप्रिसिएशन की स्पेलिंग होती है DE से होती है, ठीक है। डिप्रिसिएशन चार्ज करना होता है, देखिए आप डिप्रिसिएशन चार्ज करना सिखाऊंगा आपको। डिप्रिसिएशन दो टाइप से चार्ज किया जाता है, एक तो जैसे मान लो अगर कोई कह दे कि 10% डिप्रिसिएशन चार्ज करना है, और मान लो कोई कार है उसका अमाउंट है 10 लाख रुपए, कितना है 10 लाख, कितने जीरो, पांच कैसे, 6 जीरो ना, 10 लाख में 5 ही जीरो होगा, नहीं। 10 लाख। अब देखिए इसका 10% कितना होगा, 1 लाख, कितना होगा, 1 लाख, 1 लाख, आराम से 1 लाख। चलिए वो ये आराम से आसानी से ये होती है, 1 जीरो हटा देंगे तो वही तो हो जाता है 10%। तो चलिए मान लीजिए हमने ले लिया कि 5 लाख का कोई सामान खरीद लिया, कितने का, 5 लाख, और कह रहा है कि 10% डिप्रिसिएशन चार्ज करना है, कितना, 10% चार्ज करना है, 5 लाख का 10%, 1 जीरो कम कर दिए, कितना हो गया, 50 हजार, 50 हजार कम कर दिए, यानी संपत्ति की मूल्य कमी, यानी कार कितने में खरीदे थे आप, 5 लाख में, लेकिन 1 साल के बाद 10% डिप्रिसिएशन लग गया, यानी अब कार की दाम कितनी हो गई, 4.5 लाख, 4.5 लाख। फिर इस साल भी 10% का डिप्रिसिएशन लग जाएगा, तो 4,50,000 का डिप्रिसिएशन कितना होगा, 45 हजार, यानी अब संपत्ति का दाम कितना हो गया, 4,05,000। चार लाख 5 हजार हो गया, तो किस साइड डिप्रिसिएशन कैसे लग रहा था, जो अमाउंट घटने के बाद बच रहा था उसका 10%। और एक ऐसा होता है कि 5 लाख अमाउंट है कार का, और 5 लाख का 10% कितना होता है, 50 हजार, हर बार एक्चुअल अमाउंट का ही 10% कम होता है, यानी 50 हजार इस साल कम होगा, यानी कितना हो गया, अब 4,50,000 इस साल भी कितना कम होगा, 85 हजार कम होगा, क्यों, क्योंकि इसी का 10% हमेशा लगता है, दो टाइप का डिप्रिसिएशन होता है, इसी का 10 लाख, 50 हजार और कम कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 4 लाख हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 लाख। यानी सोचो दोनों मतलब संपत्ति एक ही है, मूल्य एक ही है, डिप्रिसिएशन अलग अलग तरीके से लग रहा था, तो 2 साल के बाद इसका अमाउंट आया 4 लाख, और इसका अमाउंट कितना आया, 4,05,000, अंतर आ रहा है कि नहीं आ रहा, यानी एक होता है घटाने के बाद जो बचा है उसका 10%, घटाने के बाद जो बचा है उसका 10%, और एक कहता है कि जो अमाउंट एक्चुअल था जितने खरीदे हैं वही 10% हमेशा कम होता रहेगा, ऐसे चेक करते हैं, कुछ कहता नहीं है, बताया जाएगा वहां पे कि पर एनम कैसे लगाया जाएगा डिविजन, हर बार अलग अमाउंट पे लगाना है या एक्चुअल अमाउंट का ही लगाना है, सब हिंट दिया जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत है। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, चलिए क्वेश्चन करके देखते हैं। एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपने एक संपत्ति खरीद, और एक डिविजन कैसे लगता है, पर एनम लगता है, कैसा लगता है, पर एनम, पर एनम का मतलब सालाना, कैसा, सालाना। जैसे एक संपत्ति है, कितने में बेचा है आपने, नहीं 2,50,000, 25 हजार लिखा है, तो गजब हाल है ये, जब
और आप लोग नोट्स में देखिए तो दिखाएगा आपको, इस संपत्ति को खरीदा था आपने 30,000 में, कितने में खरीदा था? 30,000 में। और कब खरीदे थे? मई में। कब खरीदे थे? मई 2000, कुछ लिखा हुआ है 2020, 2020 में। और इसको नवंबर, नवंबर 2020 में बेच दिए, क्या कर दिए? बेच दिए। कितने में बेचे हैं? 25,000 में। देखिए 25,000 में कंप्यूटर इंपायर को बेच दिए। आप कितने में खरीदे थे? 30,000। और आपने 6 महीने के बाद, देखिए मई से नवंबर कितना महीना हुआ? 6 महीना हुआ। और 6 महीने बाद आपने इस संपत्ति को, 30,000 वाली संपत्ति को कितने में बेच दिया? 25,000 में। कितने का कितना घाटा लेके बेचे हैं? चलो यानी 5,000 घाटा है कि क्या है चेक करते हैं। तो कह रहा है कि 5,000 रुपया कम हुए हैं, कम हुए ना। और डिप्रिसिएशन कितना लगाना होता है? 10% का। क्वेश्चन लिखा हुआ देखिए यहाँ पे कि डिप्रिसिएशन चार्ज करना है 10%। कितने का? 10% का। अब कैसे निकालेंगे ध्यान से समझिएगा, इसको मिटा दिया जाए। क्वेश्चन देखिए ध्यान से, पहले अब समझिएगा ध्यान से। संपत्ति कितनी कितनी, संपत्ति कितनी थी? 30,000। परीक्षण अच्छा, कितने परसेंट डिप्रिसिएशन चार्ज करना है? 10%। परसेंट का मतलब क्या होता है? जैसे परसेंट हटा है परसेंट में क्या लगता है? लेकिन ये क्या है? पर एनम का है, सालाना है ना। लेकिन हमने संपत्ति कितनी थी बेच दी थी, सिर्फ हमें 6 महीने का निकालना है, सिर्फ 6 महीने का। और 6 महीने का निकालना है तो एक साल में कितने महीने होते हैं? 12 होते हैं, यानी बटा 12। ये लाइन समझ में आई कि नहीं आई? ये तो 10% कॉन्सेप्ट था, वो था सालाना के लिए। लेकिन क्या साल भर में संपत्ति बेच रहे हैं? नहीं, सिर्फ 6 महीने, इसलिए गुणे 6 और बटा 12। क्यों 12? क्योंकि इस साल में 12 महीने। अब काटिए इसको, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। 6 का 6, 6 दूनी 12, 2 से 5 बार में 2 5 10। अब बचा क्या? 300 × 5, 300 × 5 कितना हो गया? 1500। से क्या हो गया? अच्छा, 30,000 के संपत्ति कितने में बेचे थे? 25 में। अंतर कितने का आ रहा था? 5,000 का, यानी 5,000 का। यानी 5,000 में से आपने निकाल लिया कि 1500 क्या हो गया है? 25,000। यानी अभी भी कितने का अंतर आ रहा है? 3500 का। कुछ पता चला क्या हो गया? लॉस ऑन एसेट्स, एसेट्स पे क्या हो गया? हाँ, इसको समझ में नहीं आया। कितनी कंपनी खरीदी थी और एक्चुअल मूल्य अमाउंट पे 10% देना पड़ता है आपको डिप्रिसिएशन। 10% देंगे, 10% का मतलब 10/100। अच्छा, लेकिन संपत्ति एक साल के लिए है ना, आप कितने दिन भी लगा रहे हैं? जो 6 महीने में भी दिए, इसलिए गुड़े 6/12 क्यों किए हैं? क्योंकि इस साल में 12। अब इन्फ्लेशन को पूरा काटिए क्या बचेगा? 1500 क्या हो गया? अच्छा, कितनी संपत्ति लिए थे? 30। कितने में बेच दिए? कितना बच गया? 5,000 का पता नहीं था आपको, आपको पता ही नहीं था 5,000 कहाँ गया। लेकिन आपने पता लगा लिया कि 1500 क्या दे दिए, यानी 5,000 में 1500 का पता लगा दिया, बचा कितना? 3500 कहाँ गया? नहीं पता चला है ना, नहीं पता चला, लॉस हो गया। तो क्या लिखेंगे? लॉस ऑन एसेट्स। क्या बना लेंगे? लॉस ऑन एसेट्स। समझ में आ गया? एक बार लाइफ भी बता दे रहा हूँ, समझिएगा ध्यान, फिर से समझिएगा ध्यान से कैसे इसको करते हैं। अच्छा, संपत्ति कितनी खरीदे थे? 30,000 का, 30,000। अच्छा, यहाँ तो 10% दिया है, यहाँ क्या लिखा हुआ? पीए लिखा हुआ। पीए का मतलब पर एनम सालाना है, यानी गुणे 10। परसेंट का मतलब क्या होता है? बटे में। अच्छा, इस सालाना 10% है ना, लेकिन हमको निकालना कितने का है? सिर्फ 6 महीने का। क्यों? क्योंकि मई से लेकर नवंबर तक बेच दिया गया, 6 महीने में बेच दिया गया, तो गुणे 6। और एक साल में कितने महीने होते हैं? बस अभी की इक्वेशन को सॉल्व करिए। अच्छा, 30,000 की संपत्ति थी, कितनी संपत्ति थी? 30,000 की। कितने में बेच दिए थे आप? 25,000। अच्छा, यानी कि कितने का आपको पता नहीं लगा पा रहे? 5,000 का आपको पता ही नहीं चला कि कहाँ 5,000 रुपया चला गया, लेकिन अब पता चलेगा कैसे। तो इस साल करते हैं इसी इक्वेशन को, 2 जीरो से 2 जीरो का, 6 का 6, 6 दूनी 12, 2 5 10, यानी 300 × 5 कितना हो गया? 1500। यानी 1500 का आपने पता लगा लिया, यानी 5,000 में से
1500 आपने पता लगा लिया कि 1500 क्या हुआ है, डिप्रिसिएशन हुआ, क्या हुआ है, डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन हुआ। अब बचा कितना, 3500 रुपए, ये कहाँ गया, कुछ पता चला, जब नहीं पता चला तो ये क्या हो गया, लॉस हो गया, क्या हो गया, लॉस हो गया। कोई दिक्कत है, यानी अकाउंट कैसे बनाएंगे, चलिए देखिए इसका ट्रांजेक्शन कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। तो देखिए क्या क्या बनाया, एक कंपाउंड एंट्री है, तो संपत्ति कितने का बेचेंगे हम लोग, 30,000 का। कंप्यूटर कितने का बेच रहा है, अच्छा बताओ संपत्ति बेच रहे हैं, संपत्ति का नेचर क्या होगा, क्रेडिट होगा डेबिट होगा, बेच रहे हैं, मैंने बताया था ना संपत्ति जब आती है तो क्रेडिट जाएगी, तो रियल का गोल्डन रूल पढ़े थे, याद आ रहा है, याद आ रहा है। सबसे पहले जनरल वाउचर खोल लीजिए, अब 7 से क्या खुल जाएगा, जनरल वाउचर, डेबिट कौन होगा, अगर संपत्ति आप बेच रहे हैं तो संपत्ति क्रेडिट हो गई, उसके उसके अलावा जितने भी आएंगे सब डेबिट होंगे, डेबिट कौन कौन हो रहा है, कंप्यूटर एम्पायर, बनाइए कंप्यूटर एम्पायर है, केयर है, एम्पायर कंप्यूटर एम्पायर, डेबिट कितने का डेबिट हो रहा है, 25,000 रुपए का, कितना में बेचे आप कंप्यूटर एम्पायर को, 25,000, ठीक है, और फिर से डेबिट, और क्या हुआ है, डिप्रिसिएशन लग गया है कितने का, तब सामने लिखिए तब समझ में आएगा, तो ऑल्ट सी करके बनाइए डिप्रिसिएशन, अच्छा डिप्रिसिएशन हो रहा है तो क्या हो रहा है, इसका अंडरबुक क्या होगा, एक्सपेंस हो रहा है, एक टाइप की कमी हो रही है, एक्सपेंस हो रहा है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अच्छा कितना हो रहा है डिप्रिसिएशन, अच्छा कितने अमाउंट का पता नहीं लगा पाए, यानी कि इसको भी डेबिट करेंगे, क्या बनाएंगे, लॉस ऑन एसेट, और सी करिए लॉस ऑन, एक बात बता रहा हूँ पहले देख लो, कोई दिक्कत नहीं, यही ना कह रहे हो डिप्रिसिएशन बनाया है, बना लिया जाएगा, अभी नॉर्मली बस समझा रहा हूँ, एक्सेप्ट नहीं करना है, बस आपको समझा रहा हूँ, लॉस ऑन एसेट्स, अच्छा लॉस ऑन एसेट भी क्या है, एक्सपेंसिव है, कितने का, 3500 का, यानी क्रेडिट कौन कर देंगे, कंप्यूटर को, कंप्यूटर को, कंप्यूटर एक संपत्ति है, कंप्यूटर स्केल सिस्टम में लिखा है, कंप्यूटर लिमिटेड नहीं लिखा है, सिर्फ कंप्यूटर लिखा है, यानी कि वो क्या है, एक संपत्ति का नाम, देखिए 30,000 हो गया कि नहीं हो गया, कंप्यूटर कितने का था, 30,000 का, कितने में बेच दिए, 25 में, क्यों, क्योंकि 1500 डिप्रिसिएशन हो गया, और 3500 क्या हो गया, लॉस हो गया संपत्ति, लेकिन यहाँ डिप्रिसिएशन नहीं बनाएंगे, यहाँ बनाएंगे डिप्रिसिएशन फॉर प्रोविजन, क्योंकि अभी हम डिप्रिसिएशन का पूरा काम नहीं किए हैं, पहले डिप्रिसिएशन फॉर प्रोविजन बनाएंगे, फिर इसी से क्रेडिट और डेबिट करके डिप्रिसिएशन को मेंटेन करेंगे, कैसे, देखिए इसको क्या करिए, कंट्रोल इंटर दबा के मॉडिफाई कर लीजिए, देखिए ये डिप्रिसिएशन फॉर, अरे यार क्या लिख दिया, कंट्रोल इंटर और फॉर प्रोविजन, इसका अंडर ग्रुप क्या होगा बताइए, प्रोविजन नाम में छुपा हुआ है, प्रोविजन होगा अंडर ग्रुप, अरे यार स्पेलिंग एक ही में हो गया, ठीक है अंडर ग्रुप क्या होगा, प्रोविजन होगा, हो गया बस एक्सेप्ट कर लीजिए, बस यही प्रोविजन में जो डाल रहे हैं अभी इसको मेंटेन किया जाएगा, देखिए कैसे एक्सेप्ट कर लिया, एक क्वेश्चन हो गया, अब जो प्रोविजन में आपने 1500 पर डिप्रिसिएशन डाला है उसको डिप्रिसिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे कैसे, देखिए अगला ट्रांजेक्शन यही दिया होगा, देखिएगा ये फिर से क्या किया गया है, वही पैसा किसको डिप्रिसिएशन में डाल दिया गया है, और देने वाला कौन था, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, कैसे, चलिए तो एक अकाउंट बनाइए डिप्रिसिएशन का, और सिर्फ डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन और इनडायरेक्ट एक्सपेंस कितना अमाउंट, 1500 रुपये, यानी 1500 रुपये डेबिट कर दिया, अच्छा इसको देगा कौन,
डिप्रिसिएशन फॉर प्रोविजन कौन देगा, क्योंकि अभी डाले थे ना 1500 रुपए प्रोविजन में, बस अब सही हो गया। देखिए तुरंत जैसे ही पैसा डिप्रिसिएशन अकाउंट में ट्रांसफर हुआ है, इस प्रोविजन का बैलेंस कितना हो गया, था कितना 1500 रुपए था, बस ट्रांसफर कर दिए, हो गया, बस यही करना है आपको, कर लेंगे कर लेंगे, बस ऐसे ही कर लेंगे। अब आप चाहे तो लॉस ऑन एसेट्स चेक कर सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये दिखा रहा होगा, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, चाहे तो आप इसको मॉडिफाई कर सकते थे, जो आप ट्रांजेक्शन किए हैं जर्नल में, टेबुक में आ जाइए, जर्नल पे आ जाइए, ये जो किए हैं आप लोग इसको लॉस ऑन यहाँ पे लिख सकते थे अर्ट सी करके, लॉस्ट अर्ट सी नहीं कंट्रोल एंटर ना, कंट्रोल एंटर, लॉस्ट ऑन सेल्स ऑफ एसेट्स, आप इसको चेक कर सकते हैं कैसे, तो आगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ऑल्ट F1 दबा दिया और एसेट्स की बात हो रही है ना, एसेट्स किधर होगा, साइड में होंगे, आ गया यार प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये रहा दिखाई नहीं रहा, डायरेक्ट एक्सपेंस के बेहतर है, लास्ट एसेट दिखा रहा है, देख लीजिए फिर से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और कहाँ जाएंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस के भीतर, क्या दिखा रहा है, नहीं दिखा रहा, कोई दिक्कत है ऐसे चेक कर लेंगे, हाँ हो गया ना, ऐसे आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट चेक कर सकते हैं, बस हो गया। अब आपको पढ़ना क्या है, आगे पढ़ना है क्या, डेबिट नोट वाउचर और क्रेडिट नोट वाउचर, क्या पढ़ना है, डेबिट नोट वाउचर और क्रेडिट नोट वाउचर, सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा सोच लीजिए, सुन लीजिए, समझ लीजिए, हाँ नहीं बताया, ठीक है आज के लिए इतना ही।